नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बाल्यान लिव। मैं आपका दोस्त दीपक बाल्यान आज आपको सिखाऊंगा सिंगल फेस काउंटर जो मोटर होती है इसके रिवर्स फॉरवर्ड हम कनेक्शन कैसे करें, इसको दोनों साइड कैसे घुमाएं, क्योंकि ये मोटर तुम्हारी एक ही साइड घूमती है। लेकिन इस छोटे से स्टार्टर से मैं आपको इसको दोनों तरफ घुमाकर दिखाऊंगा, तो बनी रही हमारी वीडियो में लास्ट तक। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले हम इसके कवर को खोलेंगे और उसके बाद इसमें एक स्विच दिया हुआ है उसको निकाल देंगे। इसके बाद इसमें टोटल 5 वायर होते हैं, तो पांचों में से 3 वायर हमारा, एक लाल हो गया, एक काला और एक नीला, तीनों को तारों को अलग अलग कर देंगे। और दो तार होते हैं इसमें, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर और एक रनिंग कैपेसिटर, उन दोनों को एक साथ करके एक तार में लगा देंगे। और बाकी जो तीनों तार बचते हैं, नीला, लाल और काला, उन तीनों में अलग अलग 3 तार और लगा देंगे। जैसे अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं, अभी ये लाल तार में तार जॉइंट किया जा रहा है। इसके बाद हम काले तार में लगा रहे हैं अभी। इसके बाद हमने स्टार्टर ले लिया है जो इसका मेन काम करता है रिवर्स फॉरवर्डिंग का। तो सबसे पहले हम जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर का वायर था वो ले लिया, और उसके साथ नीला वायर, ये हमने 2 वायर ले लिए इसमें से। तो जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का तार है उसको हम L3 में लगा देंगे, L3 के अपोजिट साइड, जैसे आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये हमने L3 की अपोजिट साइड लगा दिया स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर का। इसके बाद जो नीला वाला तार है वो हमने L2 में लगा देंगे, L2 के अपोजिट साइड, यहाँ पर आप देख सकते हैं उधर L2 है और ये L2 के अपोजिट साइड में हमने ये लगा दिया नीला वाला तार। इसके बाद रेड वायर लेंगे, लाल तार को हम C में लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद एक तार बच जाता है काला तार, यानी कि ब्लैक, तो हम ब्लैक वायर को लेंगे और ब्लैक वायर को हम बी में लगा देंगे। इसके बाद हम एक छोटा सा तार लेंगे और यहाँ L1 में से लेंगे, L1 में से, और इधर A में लगा देंगे, A के जो अपोजिट साइड थी वो वहाँ पे। यहाँ पे L1 में हम छोटा वायर के साथ एक लाइन का भी तार में लगा रहा हूँ इसके साथ साथ, क्योंकि जो हमारी लाइन के तार लगेंगे जहाँ से हमारी सप्लाई जाएगी, एक L1 में लगेगा और एक L2 में लगेगा। तो L1 में से हमने 2 तार लगा लिए यहाँ पे, एक उधर A में लगने के लिए और एक लाइन के लिए। उधर हमने L1 में लगा दिया है और इधर हम A के अपोजिट साइड इस छोटे वाले तार को लगा देते हैं। ये वही वायर है जो L1 में से आ रहा है। इसके बाद हम एक और सप्लाई के लिए वायर लेंगे और उसे L2 में लगा देंगे। इसी के साथ हमारे कनेक्शन यहाँ पे इसके कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारी मशीन मोटर चलने के लिए तैयार है, वो भी दोनों तरफ रिवर्स चलेगी और फॉरवर्ड भी चलेगी। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको दिक्कत आती है कहीं भी तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे अब तार लगा देंगे दोनों। ये आप देख सकते हैं अब जैसे ही हम इसको लेफ्ट की तरफ हम मूव करेंगे स्टार्टर को, तो हमारी एंटी क्लॉक वाइज ये हमारी मोटर चलेगी हमारी। ये आप आराम से देख सकते हैं, अभी अभी इतना नहीं देख पा रहा, अभी देखिए
ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अभी हम स्टार्टर को राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो हमारी मशीन आई मीन मोटर क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगी। ये आप देख सकते हैं अभी जैसे आराम से होगी मोटर तब आपको दिख जाएगी, ये देखिए।